टू माई यूट्यूब चैनल स्माइल स्टॉक मार्केट। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन हिट करके ऑल भी सेलेक्ट कर लीजिए। लेटेस्ट वीडियो की बात करेंगे तो लेटेस्ट वीडियो आप नीचे देख सकते हैं, और आपको प्लेलिस्ट में जाना है तो आपको यहाँ पे सिंबल का देख रहा होगा यहाँ साइड में आपके एरिया में, तो इस सिंबल में क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ऊपर प्लेलिस्ट का निशान दिख रहा होगा, आप प्लेलिस्ट में क्लिक करके सारे अच्छे स्टॉक के बारे में स्टडी कर सकते हैं। आप लाइन वाइज अच्छे अच्छे स्टॉक में जा सकते हैं, इनके बारे में डिटेल में भी एनालाइज है, तो ज़रूर इनको स्टडी करिए क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बहुत ही बढ़िया है और अच्छा खासा आपको अच्छा रिटर्न भी दे सकते हैं। इस टाइम गिरावट देखने को मिल रही है आज मार्केट में, तो चलते मार्केट को आज कवर करते हैं। तो फ्रेंड आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोग को इस गिरावट में डरने का नहीं है, बहुत ही अच्छे अच्छे स्टॉक उठाने चाहिए। सबसे ज्यादा अगर आपको स्टॉक उठाना है तो आईटी सेक्टर के स्टॉक को उठाने फोकस में रखना, क्योंकि जो क्या होता है ये सर्विस का काम करते हैं, तो इन लोग क्या करते हैं बाहर के देशों को सर्विस देते हैं, तो इनको जो पैसा मिलता है वो डॉलर के रूप में मिलता है। तो सोच सकते हैं जो पहले एक डॉलर का 74 रुपीज़ था और अभी की बात करें तो 78 रुपीज़ के आसपास देखने को मिला, तो अच्छी बात है। आईटी सेक्टर के लिए क्या होती है अच्छी बात होती है, वो खुश होते हैं कि जितना ज़्यादा डॉलर महंगा होगा तो उतना ज़्यादा इनको फ़ायदा देखने को मिलेगा। प्लस फार्मा के स्टॉक भी आपको ऐसे ही रहेंगे कि फार्मा क्या होता है बाहर बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है और उनको डॉलर के रूप में पैसा मिलता है, तो इस टाइप से आप स्टॉक को फोकस में रख सकते हैं। उनके बारे में बाद में एनालाइज करेंगे कौन कौन से स्टॉक में आपको फोकस रखना है। पहले अपन आज बात करते हैं निफ्टी की, तो निफ्टी की बात करें तो आज के दिन करीब देख सकते हैं 2.5% की गिरावट देखने को मिली। ये तो पहले ही पता था कि आज के दिन ड्रॉप मतलब बहुत ही ज़्यादा डाउन में ओपन होते हुए देखने को मिले निफ्टी, क्योंकि इसका पूरा फोकस जाता है। अगर आपको चेक करना है तो आप भी गूगल में जाके डो जोन करके रात को चेक करिए, क्योंकि डो जोन में अगर गिरावट हुई है तो डेफिनेट इंडिया मार्केट भी वैसे ही रिएक्ट करता है। तो देख सकते हैं ये कब का तारीख है, तो आप देख सकते हैं तारीख 10 तारीख को क्या हुआ था, 10 जून को यहाँ पे करीब 3% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली, तो आखिरी टाइम में थोड़ा कम देखने को मिल रहा है, जिस कारण से अपना इंडिया मार्केट भी सेम इसको कॉपी करता है। तो इंडिया मार्केट भी देख सकते हैं आज के दिन गिरावट देखने को मिल रही है, तो इसमें डरने का नहीं, इसमें अच्छे अच्छे स्टॉक को आपको एक्लोमेट करना चाहिए लॉन्ग टर्म के विजन से। कई लोगों को क्वेश्चन आएगा कि सर ये बहुत ज़्यादा मार्केट में गिर रहा है, मेरा पोर्टफोलियो रेड देखने को मिल रहा है, तो जरूर मुझे आप कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आपका पोर्टफोलियो कितने परसेंट डाउन देखने को मिल रहा है, तो मैं जरूर आपको उसमें बताऊंगा कि किस टाइप के आपको स्टॉक को एक्लोमेट करना चाहिए जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया देखने को मिलेंगे। बात करेंगे निफ्टी की, तो एक महीने में देख सकते हैं निफ्टी फ्लैट मतलब फ्लैट परफॉर्मेंस, मतलब बीच में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। बट बात करेंगे इन्फ्लेशन वहाँ का, मतलब यूएस का इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, जिसके कारण से वहाँ पे फ्राइडे के दिन बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। तो अब वहाँ पे क्या होगा ये भी बताना चाहूँगा, फेड की मीटिंग होगी, तो फेड की मीटिंग 2 दिन चलने वाली है, और जब उसका आउटकम आएगा तो डेफिनेट वो इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाइक कर सकते हैं, जिसके कारण मार्केट गिरावट देखने को मिल रही है। 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में निफ्टी देख सकते हैं करीब 9% डाउन देखने को मिल रहा है। 1 साल की बात करें तो 1 साल में भी देख सकते हैं फ्लैट परफॉर्मेंस देखने को मिली, ऐसा नहीं बट मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल तक गया था स्टॉक, मतलब अपना मार्केट इंडेक्स बहुत ऊपर तक गया था, फिर देख सकते हैं करेक्शन, और अभी की बात करें तो फिर करेक्शन देखने को मिल रहा है। बट ये देख सकते हैं कि सपोर्ट लेवल पे चल रहा है, तो जरूर इस सपोर्ट लेवल को भी अभी थोड़ा अगर 400 के नीचे जाता तो सपोर्ट लेवल भी ब्रेक होते हुए देखने को मिलेगा और मार्केट और भी गिर सकता है। तो मार्केट गिरे तो आपको डरना नहीं है, अच्छे स्टॉक को थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी करके हर स्टॉक में आपको एक्लोमेट करना है। को गूगल में जाना है, गूगल पे जाने के बाद सेक्टर वाइज इंडेक्स लिखना है, जैसे आप लिखेंगे तो जैसे NSE का ये सेकंड वाला ओपन करेंगे, फर्स्ट वाला जो आप ओपन करेंगे तो न्यू वाली लिंक पे आपको ले जाएगा, सेकंड वाले में जैसे ही आप क्लिक करेंगे देख सकते हैं मैंने ओपन कर दिया। इसमें आपको सेक्टर वाइज दिया रहेगा कि बोर्ड मार्केट इंडेंसेस देने रहेगा, सेक्टर अपन को जाना है सेक्टोरियल इंडेंसेस में जाना, मतलब इसमें आपको सबको देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं इसमें पहले आता है बैंक निफ्टी, बैंक ऑटो, मतलब इसमें जो स्टॉक होते हैं वो आपके मतलब किस कौन से स्टॉक होंगे ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। निफ्टी 50 वाले स्टॉक देखने को मिल जाएंगे, तो इन स्टॉक को अगर आपको डिटेल में जाना है तो जैसे निफ्टी में कौन निफ्टी बैंक में कौन से स्टॉक आते हैं, तो जैसे निफ्टी बैंक में क्लिक करता हूँ तो उसके बाद आप निफ्टी बैंक के स्टॉक पर फोकस रख सकते हैं। तो कौन कौन से बैंक जो निफ्टी 50 बना है, निफ्टी 50 में कितने स्टॉक आते हैं, तो ये भी याद रखना 50 स्टॉक आते हैं, और BSE में इंडेक्स में कितने स्टॉक आते हैं, 30 स्टॉक आते हैं, तो ये चीज़ आपको नॉलेज के लिए रहनी चाहिए। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं इन स्टॉक को फोकस पर रख सकते हैं। आज के दिन की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा गिरावट की बात करें तो 2 जगह पर बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही थी, तो एक सबसे पहले मेन सबसे ज़्यादा इंडेक्स को अगर 40% से ज्यादा का सपोर्ट करता है तो कौन करता है, निफ्टी बैंक और निफ्टी फाइनेंस। तो देख सकते हो दोनों में 3% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही। FMCG इस जगह की अगर बात करो तो FMCG आज के दिन कम गिरते देखने को, जब भी मार्केट में प्रेशर होगा तो ये स्टॉक कभी भी ज्यादा गिरते हुए देखने को नहीं मिलेगा। बात करेंगे IT सेक्टर में बहुत ही बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही, तो देख सकते हैं IT सेक्टर, क्योंकि NASDAQ जो है वहां पे भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। तो अभी आप फोकस पे रख सकते हैं कि डाउन जोन और NASDAQ किस टाइप से परफॉर्मेंस देता है, तो ये स्टीप चीज आपको शाम के टाइम इवनिंग में 7 बजे के बाद US का मार्केट ओपन होता है, जरूर उनका आप थोड़ा अपने रडार पे रखा करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको ये स्टॉक फायदा करेंगे।
वीडियो लंबा होगा क्योंकि मैं वीडियो में एक एक चीज़ को अच्छे से एनालाइज़ करूँगा और आपको अच्छे से सिखाऊंगा। तो बस मैं एक ही वीडियो बनाऊंगा आज के दिन, तो उसके लिए आप अच्छे से फोकस करिए स्टॉक पे और किस टाइप से इस कंपनी वर्क्स करती है, तो उन सब चीज़ें में आपको देखना चाहिए। तो बात करेंगे सबसे ज़्यादा, अगर सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है तो एक जगह ये देख सकते हैं 4.12, मतलब IT सेक्टर में गिरावट देखने को मिली। उसके बाद देख सकते हैं निफ्टी मीडिया, तो चलो ये तो गिरता ही है, वैसे ही कम बैक ही नहीं कर रहा जब से कोविड आया। फिर देख सकते हैं मेटल के स्टॉक भी बहुत ज़्यादा टूटते हुए देखने को मिलेंगे आपको। फार्मा की बात करें तो फार्मा इतना ज़्यादा टूटते हुए नहीं देखने को, मतलब PSU बैंक की बात करें तो वो भी 3.5% से ज़्यादा गिरते हुए देखने को मिले। तो मेन फोकस आपको किस में रखना है, तो आपको फोकस रखना है एक IT के स्टॉक में और एक फार्मा के स्टॉक में। तो आज अपन सिर्फ IT के बारे में बात करेंगे, तो निफ्टी IT में मैं जैसे ही क्लिक कर लेता हूँ तो इसके अलावा भी ऐसे स्टॉक है जैसे हैप्पीएस्ट माइंड हो गया, KPIT हो गया, बिरला सॉफ्ट हो गया, कोफोर्ज हो गया, कोफोर्ज इसमें है, प्रेसिस्टेंस हो गया, इस टाइप से और भी स्टॉक होंगे, तो इनको आप फोकस में रख सकते हैं जरूर। इनका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने आपको बता दिया कैसे ओपन करते हैं, तो ये सब चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो SCL टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छी कंपनी है, यस अभी बात करते तो एक साल से अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा है, तो इसमें कोई बात नहीं है कि कंपनी ख़राब हो गई, कंपनी के रिटर्न ख़राब हो गए, ऐसा कुछ नहीं। देख सकते कोई भी स्टॉक है IT के तो सब नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं, मतलब कोई भी अगर इसमें क्या होता, अगर कोई अच्छा रिटर्न देता तो वो ग्रीन, ये ग्रीन जिनका कलर ना रेड से चेंज होकर ग्रीन होता है। तो इस टाइप से आप स्टॉक पे फोकस रख सकते हैं। स्टॉक आपको गिरावट में मिले थे, साल भर में 4 बार तो आपको डिविडेंड दे देता है। विप्रो की बात करें बहुत ही अच्छा कंपनी, बोनस के लिए बात करें तो बोनस के लिए बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाती है। इन्फोसिस की बात करें बहुत ही अच्छे प्राइस में आपको मिल रहा है, अगर ये 1400 के नीचे जाता है 1350 के आसपास तो ज़रूर स्टॉक को एक्लोमेट करना। बात करेंगे इन्फोसिस तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें लो भी दिया रहता है, तो कि ये सब चीज़ हाई ओपन हाई लो इस टाइप से आपको दिया रहेगा, तो आप चीज़ ये सब चीज़ जब आप इसके अंदर घुसेंगे मार्केट के अंदर जब जाते हैं आपको स्टॉक, लोग तो कई लोग तो ले लेते बट ये सब चीज़ें सीखते नहीं है कि कौन से स्टॉक निफ्टी 50 के हैं कौन से नहीं है, तो ये सब चीज़ें बाद में आपके काम आती, क्योंकि ये स्टॉक होते ना इनमें गिरावट कम देखने को मिल जाती कंपेयर अदर स्टॉक मानेंगे जो निफ्टी से बाहर है, क्योंकि इसमें क्या होता है बड़े बड़े इन्वेस्टर का फोकस रहता है। बात करेंगे TCS बहुत ही अच्छी, मतलब इंडिया की नंबर वन IT कंपनी, तो देख सकते हैं इसका प्राइस भी आपको अच्छा बहुत ही नीचे लेवल पे भी देखने को मिल सकता है, तो डेफिनेटली इन स्टॉक को फोकस में रखें। टेक महिंद्रा आपको 5G से रिलेटेड काम मिलेगा। कोफोर्ज की बात करें तो कोफोर्ज भी देख सकते हो बहुत ही अच्छी कंपनी है, बाहर मतलब US के मार्केट में मतलब NSE में भी लिस्टेड होने जा रही थी, अभी हुई नहीं है मतलब टाइम लगेगा ज़रूर होगी भी। एम्फेसिस की बात करें वो भी बहुत ही अच्छी, मतलब अपने सेक्टर के एक प्रकार से बात करें तो लीडर देखने को मिल जाती है। LTI, LTTS, Mindtree तीनों कंपनी एक ही ग्रुप से बिलोंग करती है, L&T ग्रुप से, तो जरूर इन स्टॉक को फोकस करने जा रखना चाहिए आपको, क्योंकि इन दोनों का मर्जर भी देखने को मिल रहा है, तो जरूर इन स्टॉक को फोकस में रखिए। इसके बाद भी कई स्टॉक आ जाते हैं तो वो भी मैं आपको सामने पूरा वीडियो ऑनलाइन रहेगा, क्योंकि आपको पूरे अच्छे से सीखना है तो मैं हर चीज़ आपको सिखाऊंगा ही सामने सामने, क्योंकि कई लोग क्या रहता है वीडियो तो देख बना लेते हैं फिर बाद में लोगों को समझ में नहीं आता कि कैसे चेक करना। तो ये देख सकते हैं KPIT का मैं बात करूं तो ये भी स्टॉक बहुत ही अच्छा है, ऐसा नहीं कि स्टॉक नहीं ख़राब है, कंपनी में कोई दम नहीं है, ये स्टॉक आपको अच्छा मार्केट में प्रेशर इस कारण से डिस्काउंट में मिल रहे हैं, तो जरूर इन स्टॉक को भी फोकस पे रखिए। KPIT टेक्नोलॉजी को 3.5% की आज के दिन भी गिरावट देखने को मिली, स्टॉक बहुत ही नीचे लेवल तक देखने को मिल रहा है, कंपनी का हाई था 800 रुपये के आसपास, वहाँ से अच्छी खासी स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। एक महीने की बात करें तो एक महीने भी देख सकते हो स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट 3.5%, 6 महीने की बात करें 5%, एक साल की बात करें तो एक साल वालों को कोई भी दिक्कत नहीं, वो करीब 106% के पॉजिटिव रिटर्न में बैठे, बट इनका रिटर्न डबल भी हो चुके, तो डबल से आप देख सकते हो स्टॉक करीब राउंड ऑफ 40% के आसपास गिरावट में आपको स्टॉक देखने को मिला, तो जरूर स्टॉक को फोकस में रख सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के विजन होना चाहिए कि आपको शॉर्ट टर्म में क्या हो रहा है ये सब नहीं होना चाहिए, लॉन्ग टर्म में कंपनी कहाँ जा सकती है आपको अंदाजा भी नहीं है, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस कंपनी के रिजल्ट बताते हैं। जरूर कंपनी के बारे में डिटेल में भी एनालाइज करना, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो जरूर इनको डिटेल में इन्वेस्ट बात करना। बात करेंगे कंपनी का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, तो देख सकते हैं कंपनी ने 3.5% के आसपास के रिटर्न दिए। तो इसके बाद भी कई स्टॉक हैं, IT से बिरला सॉफ्ट हो गया और भी स्टॉक है, तो इन सबको स्टॉक को आप फोकस में रखिए। जो भी आपको है और लगता है आपको कोई और स्टॉक है तो वो भी मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, तो नेक्स्ट स्टॉक भी देख सकते हैं एशियन पेंट अपने सेक्टर का लीडर, और इंडिया में मतलब वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में 3rd नंबर या 4th नंबर की पोस्ट पे आता है, जरूर कई बार स्टडी कर लेना कितने में आ रहा है। बट बात करें कंपनी का बहुत ही अच्छा बिजनेस है, एक प्रकार से अपने इंडिया में पूरा मार्केट कवर करके बैठा है, तो अच्छा स्टॉक का कंपनी का हाई की बात करें 3600 से स्टॉक देख सकते हैं, करीब 1000 रुपीज़ का आपको पर
शेयर में डिस्काउंट में मिल रहा है, तो जरूर स्टॉक को भी आप फोकस में रख सकते हैं। ऐसे बहुत ही अच्छे अच्छे स्टॉक है जो केमिकल सेक्टर से, दीपक नाइट्रेट देख सकते हैं, आज के दिन बहुत ही कम गिरावट देखने को मिली, तो वो भी स्टॉक को आप फोकस में रख सकते हैं। तो देख सकते हैं आज के दिन गिरावट पूरे मार्केट में थी, बट स्टॉक की बात करें तो इसके लिए तो नेगेटिव बात थी कि कंपनी का जो वडोदरा का प्लांट था वहीं पर आग लगते हुए देखने को मिली, बट स्टॉक में आज के दिन देख सकते हैं अच्छी मतलब 1-1.5% मतलब मामूली गिरावट देखने को मिली, क्योंकि बात करें निफ्टी 3% के आसपास गिरते हुए देखने को मिल रहा है और ये स्टॉक मात्र 1% की गिरावट देखते मेरे को मिली। बात करेंगे एक महीने में तो देख सकते हैं 7.5%, 6 महीने में लग अभी तो गिरावट का माहौल ही देखने को मिल रहा है, बट स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म में लेके चलते हो तो डेफिनेट आपको बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिला। स्टॉक पहले भी बहुत बार गिरते हुए देखने को मिले हैं, तो देख सकते हैं इस टाइप की गिरावट देखने को मिलेगी तो इसमें बाइंग करने का अच्छा मौका मिलता है। बहुत ही अच्छे अच्छे स्टॉक है, SRF, आरती इंडस्ट्रीज, वो तो बहुत सारे स्टॉक को आप कवर कर सकते हैं। अच्छे स्टॉक को अगर आपको फोकस में रखना है तो IT सेक्टर का एक ये भी रख सकते हैं, टाटा एलेक्सिस, बहुत ही अच्छी मतलब कंपनी का बिजनेस देख सकते हैं। इतनी गिरावट में भी आज 2% के आसपास गिरावट देखने को मिली, बीच में तो अच्छा खासा स्टॉक ने कमबैक भी कर लिया था, मतलब ग्रीन में देखने को मिला, बट प्रेशर ज़्यादा बढ़ने के कारण स्टॉक और भी नीचे लेवल पर देखने को मिल रहा था। और भी स्टॉक हैं जैसे एस्ट्रल पॉली, तो ये भी स्टॉक अपने सेक्टर का लीडर है, प्रिंस पाइप, तो इस स्टॉक को भी आप फोकस में रख सकते हैं। ये सब स्टॉक को आपको नोट डाउन करके रख लीजिए, या फिर क्या ये आने वाले टाइम पे आपको बहुत ही अच्छे रिटर्न देंगे, क्योंकि अपने सेक्टर के लीडर होते हैं प्लस इनका बिजनेस बढ़ता ही जा रहा है। बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक होगा तो बजाज फाइनेंस भी देख सकते हैं, आज के दिन बहुत ही मतलब अपना 52-week लो लगाते हुए देखने को मिला। तो इस स्टॉक में कई लोग पूछते थे सर इस स्टॉक में कब मिलेगा, सर स्प्लिट बोनस कब मिलेगा, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कभी भी कंपनी से न्यूज़ आ सकती है और स्टॉक अच्छा खासा डिस्काउंट में मिल रहा है। करिए आप मोटा मोटा बोले 8,000 का स्टॉक अभी आपको 5,400 के आसपास मिल रहा है, तो डेफिनेट आप सोच सकते हैं कि कंपनी में करीब 30% से ज़्यादा का डिस्काउंट में आपको स्टॉक मिल रहा है। ये भी बहुत ही बड़ी कंपनी, ऐसी नहीं छोटी मोटी कंपनी है, 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप लेके बैठी हुई कंपनी है। तो इस टाइप से फोकस में रखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, HDFC बैंक, विप्रो, TCS, ये सबसे स्टॉक को आपको लॉन्ग टर्म के लिए सोचना चाहिए। टाटा मोटर्स, ये स्टॉक को कई लोग जब ये स्टॉक क्या होता तो भागता ना तभी लोग कई लोग पकड़ने की कोशिश करते, तो अभी गिरावट में मिल रहा है तो स्टॉक को सोचिए कि एक महीने में भी देख सकते हो स्टॉक फ्लैट परफॉर्मेंस दिया, 6 महीने में बैठते 17% डाउन है, तो ये स्टॉक को आप फोकस में रखिए और लॉन्ग टर्म का विजन रखना। ऐसा नहीं कि कल या परसों में, ऐसा नहीं 2025, 2027, 2030 में क्या होता है स्टॉक में, ये आपका फोकस होना चाहिए कि स्टॉक को मैं तब तक होल्ड करूंगा। गिरावट तो हर बार होती है और किसी का भी मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखूंगा तो देख सकते हैं बहुत बार गिरावट देखने को मिलती है, बट जो अच्छी कंपनियां होती है वो हमेशा कमबैक करते हुए आपको देखने को मिलेगी। तो ये भी स्टॉक में तो बहुत ही नीचे मतलब ये 60-70 रुपये के आसपास आया था, वहाँ से देखो 400 भी गया, तो भी पुराना जो कंपनी का 600-650 के आसपास का हाई है वो ब्रेक नहीं हुआ, नहीं तो अगर वो होता तो डेफिनेट स्टॉक में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल जाती। स्टॉक में भी अभी बात करें टॉप लेवल से देख सकते 536 का था, वहाँ से 400 रुपये के आसपास आते हुए देखने को मिला, तो जरूर स्टॉक को फोकस में रख सकते हैं और लॉन्ग टर्म का विजन पे आप रख सकते हैं। बात करें कंपनी में और भी अच्छी अच्छी कंपनी मिल जाएगी, महिंद्रा एंड महिंद्रा जो दो ही कंपनी है जो EV रिलेटेड वर्क कर रही है, टाटा और ये महिंद्रा महिंद्रा, तो इन स्टॉक को भी आप फोकस में रख सकते हैं। ये भी स्टॉक आपको अच्छा खासा डिस्काउंट में मिल रहा है, तो ये एक महीने में बात करते तो एक महीने में तो इसने बहुत अच्छी रिकवरी करते हुए देखने को मिली, बट 6 महीने में देख सकते 20%। तो ये सब स्टॉक को आपको नॉलेज में रखना चाहिए तो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ही फायदा देखने को मिलेगा। तो और कोई डाउट्स होंगे तो आपको जरूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आशा करता हूं वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना ना भूले, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को हिट करके ऑल भी सिलेक्ट कर लेना। वी विल अनदर वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।